Hello. Hi. He wants to buy from you. Thank you, thank you. हाँ अभी स्ट्रीमिंग होने वाली है, कल से आएगा और आफ्टरनून में 1:30 से शुरू होगा ये। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि फेम गेम, फेम का दूसरा जो रूप होता है उस बारे में है और स्टोरी अनामिका आनंद की है जो एक बहुत बड़ी स्टार है और उसकी अच्छी फैमिली है, परफेक्ट लाइफ है और एक दिन वो एकदम गायब हो जाती है तो लोग ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई अनामिका, और कहाँ गई अनामिका से प्रश्न आता है कि कौन है अनामिका, उसकी लाइफ क्या है, और धीरे धीरे एक एक सीक्रेट्स उसके लाइफ के बाहर आने लगते हैं। सो दैट्स इट सर। वेल सभी एक्टर्स इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा काम किया है, आई होप लोगों को सीरीज पसंद आती है। पर आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म का जो पॉजिटिव है वो है कि एक साथ इतने सारे कंट्रीज़ में एक साथ ही लोगों को देखने को मिलता है, इट्स अ ग्लोबल इवेंट, तो जब यहाँ रिलीज़ होती है तो ग्लोबली सब जगह रिलीज़ होती है और इतना वाइड ऑडियंस मिलता है OTT प्लेटफॉर्म को और अलग अलग भाषाओं में डब होता है, सब टाइटलिंग होता है, जैसे हम यहाँ पे बाकी देशों से जो आती है OTT पे फिल्में हो या सीरीज़ हो या डॉक्यूमेंट्रीज हो, वैसे हमारी भी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ फिल्म्स वहाँ पे जाती हैं। फेम मिलना कठिन होता है और एक बार जब मिल जाता है उसे मेंटेन करना भी कठिन होता है, तो ये कठिनाई है फेम की, आप कितना सीरियसली अपने फेम को लेते हैं उस पर है। और हमारे जो ये सीरीज़ है फेम गेम में, उसमें ये दर्शाया है कि जब आप फेम को ज़्यादा हद से चाहते हैं तो क्या होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम माधुरी जी कसे आहो? कसे आहो? चांगले चांगले। मैडम थोड़े राइटला। मैडम राइट। मैडम माझ्याकडे नाही बघितले। सोलो इधर आइए ना थोड़ा। सोलो। मैडम थोड़ा राइटला। माधुरी मैडम थोड़ा राइटला। मैडम इथे। ओके थैंक यू। बस। माधुरी यहाँ दे रखी एकदम सामने देखिए। राइट एकदम सेंटर इधर देखिए इधर। थैंक यू। हाँ अभी स्ट्रीमिंग होने वाली है, कल से आएगा और आफ्टरनून में 1:30 से शुरू होगा ये। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि फेम गेम, फेम का दूसरा जो रूप होता है उस बारे में है और स्टोरी अनामिका आनंद की है जो एक बहुत बड़ी स्टार है और उसकी अच्छी फैमिली है, परफेक्ट लाइफ है, और एक दिन वो एकदम गायब हो जाती है तो लोग ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गई अनामिका, और कहाँ गई अनामिका से प्रश्न आता है कि कौन है अनामिका, उसकी लाइफ क्या है, और धीरे धीरे एक एक सीक्रेट्स उसके लाइफ के बाहर आने लगते हैं। सो दैट्स इट सर।
वेल, सभी एक्टर्स इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा काम किया है. आई होप लोगों को सीरीज पसंद आती है. पर आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म का जो पॉजिटिव है वो है कि एक साथ इतने सारे कंट्रीज़ में एक साथ ही लोगों को देखने को मिलता है. इट्स अ ग्लोबल इवेंट, तो जब यहाँ रिलीज़ होती है तो ग्लोबली सब जगह रिलीज़ होती है और इतना वाइड ऑडियंस मिलता है OTT प्लेटफॉर्म को. और अलग अलग भाषाओं में डब होता है, सब टाइटलिंग होता है. जैसे हम यहाँ पे बाकी देशों से जो आती है OTT पे, फिल्में हो या सीरीज़ हो या डॉक्यूमेंट्रीज हो, वैसे हमारी भी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ फिल्म्स वहाँ पे जाती हैं. फेम मिलना कठिन होता है और एक बार जब मिल जाता है उसे मेंटेन करना भी कठिन होता है. तो ये कठिनाई है फेम की, आप कितना सीरियसली अपने फेम को लेते हैं उस पर है. और हमारे जो ये सीरीज़ है फेम गेम में, उसमें ये दर्शाया है कि जब आप फेम को ज़्यादा हद से चाहते हैं तो क्या होता है. थैंक यू.